फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल मैत्री ब्यूटिक में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली नए नए वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। आज भी मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज का वीडियो होगा हमारा दोस्तों शोल्डर पर, यानी कि तीरे को लेकर। हमें डिफरेंट डिफरेंट साइज की लेडीज के लिए तीरे लेने में बहुत परेशानी होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको गला डीप रखना होता है तो कभी छोटा रखना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तीरा लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी साइज की जो लेडीज है उनका तीरा कैसे लें। मैंने इसके लिए बहुत सुंदर चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट के जरिए मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगी हर चीज। देखिए, मैंने कई साइज के लिए बनाए हैं ये, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि आपका जो शोल्डर है कई बार आपका गिरने लग जाता है, तो कई बार टाइट हो जाता है, सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जनरली जो लेडीज में शोल्डर का साइज होता है वो 14, 15 और 16 होता है। तो आज हम इन तीनों साइज पर ही डिस्कस करेंगे। 16 भी बहुत कम का ही होता है, लगभग 14-15 तक ही रह जाता है। तो मैं आपको हर एक चार्ट एक्सप्लेन करूंगी 14 के लिए, 15 के लिए और 16 के लिए। पहले मैं 14 के लिए करूंगी। उसके लिए मैं आपको एक पेज पर देखिए, इस पर आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे अगर हम डीप गला ले रहे हैं तो उसके लिए शोल्डर हमें कितना लेना चाहिए, और उसके लिए आर्म होल की भी प्रॉब्लम बताऊंगी मैं। आर्म होल के लिए मैं एक अलग वीडियो डाल चुकी हूँ, देखिए ये वाला। इस पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है किस ब्रेस्ट साइज के लिए आपको कितना आर्म होल लेना है और किस नेक के लिए आपको कितना आर्म होल लेना है। तो प्लीज दोस्तों, आई बटन पर क्लिक करके आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज वाला वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 14 शोल्डर के लिए ये चार्ट रेडी किया है। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे हमें ये लेना है। तो देखिए, ये शोल्डर आपका डिपेंड करता है बैक गले पर। दोस्तों याद रखिएगा, ये हमारे ब्रेस्ट वगैरह पर कोई डिपेंड नहीं करता, सिर्फ हमारे बैक गले पर डिपेंड करता है, और आपका साइज कितना है शोल्डर का उस बात पर डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर हम बैक नेक ले रहे हैं 1 से 3 इंच, 1 आप सोच रहे होंगे किसके लिए, तो 1 होता है आपका कॉलर वगैरह बैंड का जो होता है उसके लिए। तो 1 से 3 इंच के लिए हम शोल्डर यहाँ लेते हैं 7 इंच, यानी कि जितना हमारा शोल्डर था बिल्कुल उतना ही, यानी कि 14 है तो फोल्ड करने के बाद 7 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ 7 इंच लेंगे। देखिए, लेते हैं, ये देखिए। और आर्म होल के लिए मैंने चार्ट रेडी किया था 32 साइज के लिए। आप देखिए, 32 साइज के लिए छोटे गले के लिए हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। चलिए निशान लगाते हैं। यहां भी 6 इंच पर इनको मिलाएंगे। यहां से हमारा ऊपर शोल्डर था तो सेम शार्पनर नीचे से भी ले लिया है, इसको भी मिला दूंगी मैं ऐसे। देखिए, ये माप मैंने ऊपर लिख लिया दोस्तों, जैसे ब्रेस्ट के लिए 32 के लिए है। ये ब्रेस्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है दोस्तों, सिर्फ मैं आपको निशान लगाने के लिए दिखा रही हूँ ये। तो ब्रेस्ट का मैं निशान लगा लेती हूँ, 32 है तो इसका 1/4 यानी कि 8 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ 8 पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये 2 इंच ज्यादा हमारा कटिंग के लिए होता है। स्टिचिंग तो हम जहां से हमें निशान लगाया वहीं से करेंगे। तो चलिए शुरू में आप देखिए, चार्ट के अकॉर्डिंग हमें गला लेना है 1 से 3 इंच, और शोल्डर के लिए 7 ही है तो 7 हमने शुरू में लिया है। तो मैं आपको गला लगा के दिखाती हूँ कैसे लेना है, यानी कि 3 इंच तक देखिए ऐसे मार्क करेंगे। गले की चौड़ाई आप कितना रखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 3 इंच का गला है, साथ ही इसका शोल्डर लिया था और 6.5 पे मैंने आर्म होल लिया था। तो जैसे अब इसकी मैं गोलाई करके दिखाऊंगी आपको, देखिए ऐसे करनी है। देखिए,
इतने शोल्डर में आपकी गोलाई ऐसे आएगी। अब ध्यान देते चलिएगा, जैसे जैसे हम गले को बढ़ाएंगे, ये बैक गला दिखा रही हूँ याद रखिएगा, मैं जैसे बैक गला बढ़ाऊंगी आपको शोल्डर कम करना, कितना कम करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए अब मैं चार्ट के अकॉर्डिंग नेक को कर लेती हूँ 4 इंच, तो हमारा शोल्डर हो जाएगा 6.75 इंच। देखिए मैंने यहाँ 1/4 इंच कम कर दिया है, जितना 1 इंच बढ़ाया है तो मैंने 1/4 इंच कम कर दिया है। फ्रेंड्स जो हमारा 1/4 इंच होता है वो 1 इंच का हमारा चौथा हिस्सा होता है। जैसे ये वाला हिस्सा देखिए, आगे तक तो हमारा हाफ था, यहां तक तो हाफ था 1 इंच का, सॉरी अगले वाले इंच को मेजर मत कीजिएगा, तो हमारा 2 लाइन तक पोना हो जाएगा, 4 तक हमारा आधा होता है। तो ये पोना लेना है आपको, यहाँ ऊपर पोना कम करना है शोल्डर में। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए इतना आपको कम करना है। तो जैसे शोल्डर 7 का लिया था मैंने, जब मेरा गला 3 तक था, तो मैंने 4 तक लिया है, तो मैंने इसको 1/4 इंच कम कर दिया। तो इसके लिए गला हम 1 इंच बढ़ाएंगे, देखिए ऐसे, और गोलाई कर देंगे। अब इस निशान के लिए मैं आपको वो आर्म होल के लिए गोलाई करके दिखाऊंगी। यहां से देखिए ऐसे जाएगी ये, आप ध्यान रखने दे रहे होंगे, जो गोलाई है हमारी ऊपर की तरफ से गहरी होती जा रही है, ना कि नीचे की तरफ से। देखिए तो आगे देखिएगा हम कैसे करेंगे इसको। इसको गले को मैंने 4 इंच तक ले लिया था, अब मैं 1 इंच और बढ़ाऊंगी, यानी कि 5 इंच। देखिए चार्ट में 5 इंच के लिए हमें शोल्डर लेना है 6.5 इंच। देखिए ऊपर 6.75 था, तो मैंने 1/4 और कम कर दिया है, यानी कि 6.5 रह गया ये। तो देखिए इसके लिए कैसे लगाएंगे निशान, यहाँ 1/4 इंच कम करेंगे, यहाँ पर हम गले में 1 इंच बढ़ाएंगे, इसकी गोलाई ऐसे करेंगे। दोस्तों देखिए ये देखिए जो पिंक वाली डॉटेड लाइन है वे हमारी होंगी इस मेजरमेंट के लिए, हम कटिंग जहां से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चलते हैं अगले। अब नेक्स्ट देखिए 6 इंच के लिए, 6 इंच अगर आपका डीप रख रहे हैं गले को, बैक गले को, तो उसके लिए हम शोल्डर रखेंगे 6.25 इंच, यानी कि ऊपर 6.5 था हमारा, तो यहाँ से 1/4 इंच और कम कर देंगे। ये देखिए दोस्तों करते हैं, देखिए पोना यहाँ हो जाएगा, इसकी गोलाई कुछ ऐसे करेंगे, ये देखिए अब 1 इंच बढ़ाएंगे गले में यहाँ भी, ये हो गया हमारा 6 इंच पर। देखिए जो ग्रीन वाली लाइन्स हैं यहाँ से हमारी कटिंग आएगी, अगर आप इसको कट करना चाहते हो तो। अब इसे आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए आप जैसे हम आगे बढ़ेंगे 6 इंच से हमारा 7 इंच हो जाएगा, 8 इंच हो जाएगा, 9 इंच हो जाएगा, अब इससे अब जितना भी आप लेंगे बैक का नहीं, तो इसके लिए हम शोल्डर को सिर्फ 6 इंच ही रखेंगे। देखिए हमारा 14 था शोल्डर, 14 था यहाँ पर, 14 यानी शोल्डर के लिए हम 6 इंच से कम शोल्डर नहीं रखेंगे फ्रेंड। सूट के केस में कह रही हूँ मैं आपको, ब्लाउज के केस में नहीं, ये सूट के लिए है, प्लीज ये बात नोट कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे कम नहीं लेंगे, नहीं तो आपको जो रीजन था टाइट का, खिंचाव होने का, वो यही था कि आप ज्यादा छोटा शोल्डर ले लेते हैं, तो 6 तक ही रखेंगे आप इस शोल्डर को। देखिए 14 के लिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट की ओर, चाहे तो फ्रेंड्स आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कैसे हमें आर्म होल के लिए गोलाई लेनी है इस माप के लिए। अब देखिए मैं 7 इंच 8 इंच के लिए 7 के लगा के दिखा देती हूँ, 1 इंच और बढ़ा के, और आप शोल्डर को कर लेते हैं 6 इंच। देखिए 1 इंच और बढ़ा दिया है मैंने यहाँ पे, यानी कि अब ये हमारा हो गया है 7 इंच। इसके लिए शोल्डर हम फिर से 1/4 इंच कम करेंगे, देखिए यहां से इतना,
कुछ ऐसे इसकी गोलाई आएगी। देखिए दोस्तों, ये जो रेड लाइन है आपकी बार, बस ये हिस्सा हमारा शोल्डर का बचा हुआ है, सिर्फ ये। देखिए कितना नैरो हो गया है ये, इससे नैरो हम नहीं रख सकते, इसलिए मैं कह रही थी आपको कि 6 इंच से कम नहीं लेना है हमें 14 के शोल्डर में। इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरीके से अगर आप अपने सूट की कटिंग करोगे तो जो आपके शोल्डर के यहाँ तीरे के यहाँ प्लेट डल जाती हैं वे भी नहीं आएंगी, बिल्कुल अच्छे से फिट होगा। प्लीज दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत की है आप सबके लिए, तो अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा शोल्डर जब 15 होगा तो हमें बताया गया है कि हमें शोल्डर लेना कितना है आखिर असल में। तो दोस्तों मैं 15 का सिर्फ यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, 16 वाले में मैं आपको अच्छे से निशान लगाकर भी दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे शोल्डर गिरने वाली। तो इस वाले में आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए, जो बैक नेक गला अगर आप 1 से 3 इंच यानी कि 1 इंच यानी कि कह सकते हो आप कोलर वाले में, बैन वाले में, तो उसका आपको कितना लेना है, जितना हमारा होता है यानी कि 15 इंच है तो हम 7.5 ले लेंगे, हाफ करके यानी कि फोल्ड हो जाएगा, तो 7.5 ही रखेंगे इसमें। हम जैसे ही हम 4 इंच करेंगे, 1 इंच बढ़ाएंगे, तो शोल्डर कितना कम करेंगे, जैसे मैंने पहले किया था 1.25 इंच कम कर देंगे यानी कि 7.25। जैसे 1 इंच और बढ़ाएंगे तो हमारा शोल्डर हो जाएगा 1.25 इंच और कम यानी कि 7 इंच तक। 6 का अगर आप बैक गला बना रहे हो, मीडियम होता है ये 6 का गला, तो इसके लिए हम लेते हैं 7.25 का तीरा। अब देखिए 7 इंच के लिए, ओडिप के लिए, तो गला और छोटा करना पड़ेगा। देखिए 6.5 इंच का हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही 8 इंच में और 9 इंच में हम 7.25 इंच कर कम कर देंगे। अब यहाँ गौर से देखिए फ्रेंड्स, 8 से आगे 9, 10 या इससे ऊपर कितना भी आप बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं तीरा यहाँ भी 6 इंच ही रखूंगी। पिछले वाले 14 में भी मैंने आपको बताया था साइज में भी, और 15 के साइज में भी मैं आपको बता रही हूँ, 15 के साइज के लिए भी आपको 6 इंच ही रखना है शोल्डर को, ध्यान रखिएगा प्लीज। तो दोस्तों, अगर आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग सूट में आप लगाओगे निशान, तो आपके निशान बिल्कुल परफेक्ट आएंगे, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेजरमेंट की तरफ। ये देखिए, अब हम इसमें एक प्रॉब्लम थी, वो शोल्डर गिरने वाली प्रॉब्लम, वो इसमें आपको मैं शॉर्ट आउट कर दूंगी। देखिए 16 का शोल्डर है, अगर हम गले को 1 से 3 इंच रख रहे हैं तो हम यहाँ लेंगे 8 इंच, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, बैन के लिए, कोलर के लिए और 3 इंच तक के गले के लिए रखेंगे, जितना है उतना ही यानी कि 8 इंच। तो चलिए निशान लगाते हैं 8 इंच। आर्म होल हमें लेना है मेरे पिछले चार्ट के अकॉर्डिंग, प्लीज आप वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आप इस चार्ट से भी देख लीजिए। देखिए तो दोस्तों, मैं यहाँ ब्रेस्ट ले लेती हूँ 44, क्योंकि जिन लेडीज का शोल्डर 16 तक होता है, काफी हेल्दी लेडीज का ही होता है, वो सिंपल का तो 14-15 तक ही रह जाता है, तो इनके लिए मैं जो आर्म होल लूंगी वो 7.5 इंच लूंगी। देखिए मैंने डीप नेक के लिए 7 इंच लिया है, यहाँ पे देखिए आगे जब मैं बैक नेक बना रही हूँ 7 से 10, ऊपर देखिए 7 से 10 ले रही हूँ, तो मैं यहाँ शोल्डर को 7 इंच रखूंगी। ये क्यों रखूंगी, ये मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए चलते हैं, तो यहाँ आर्म होल लेंगे हम 7.5 इंच। देखिए उनको मिलाएंगे, यहां से 8 इंच। भी मिलाएंगे। अब मेरी ब्रेस्ट थी जो 44 इंच थी, तो मैं इसका चौथा हिस्सा लूंगी यानी कि 11 इंच। 11 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे देखिए। अब हम शुरुआत में शोल्डर लेंगे 8 इंच लेना लिया है हमने, तो इसका गला लेंगे 1 से 3 इंच तक का था, ये निशान लगा देती हूँ मैं गले का। चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी रखना चाहें। अब देखिए ऐसे राउंड शेप दूंगी, तो देखिए
अब मैं इसके आर्म होल के लिए लगाऊंगी, कैसे गोलाई करनी है देखिए। देखिए बहुत गहरी नहीं होती है ये शुरुआत की, जो बिल्कुल सेम का सेम शोल्डर लेते हैं, 16 था तो मैंने 8 लिया था, इसके लिए बिल्कुल गहराई नहीं लेते हैं शोल्डर में, बिल्कुल कम गहराई ही ले देते हैं इसमें आर्म होल में हम। तो देखिए जो डॉटेड लाइंस है यहां से हमें कट करना है। अगर आपका गला 1 से 3 इंच है, 3 इंच तक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखिए हम गले को 1 इंच बढ़ा देंगे, हाँ यानी कि 4 इंच कर देंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया है तो हमारा जो शोल्डर है वो 1.25 इंच कम हो जाएगा, यानी कि 1.25 हो जाएगा। यहाँ निशान लगाते हैं, देखिए मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ गले में ऐसे। तो अब यहाँ मैं आर्म शोल्डर में कम करूंगी 1.25 इंच। देखिए इसकी गोलाई देखिएगा ध्यान से कैसे आएगी। ये देखिए जो रेड लाइंस हैं वो हमारे इस मेजरमेंट के लिए हैं, यहीं से हमें कट करना है। देखिए मैंने जो गोलाई करी है वो ऊपर से करी है, ना कि हम कई बार यहां से गोलाई कर देते हैं। दोस्तों यहां से गोलाई नहीं करनी है आपको, आपको यहां से करना है। देखिए बिल्कुल इसके साथ 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 थोड़ा सा गैप होते हुए यहां तक आ गया है। तो नेक्स्ट मेजरमेंट दिखाते हैं। अब मैं 1 इंच और बढ़ा दूंगी, यानी कि मैंने 4 लिया था, मैं 5 इंच कर दूंगी। तो देखिए हमारा आर्म होल रह जाएगा 7.5 इंच, जो कि ऊपर वाले से 1.5 इंच कम है। देखिए यहाँ 1 इंच बढ़ाऊंगी मैं 5 इंच के लिए। ऊपर से मैं 1.5 इंच कम कर दूंगी, ये देखिए। देखिए जो पिंक लाइंस हैं वो हमें शो हो रही हैं, यही हैं हमारी कटिंग की लाइंस, यहीं से आपको कट करना है। अब देखिए जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे गले को डिप करते जाएंगे, यानी कि 6 इंच 7 इंच 8 इंच 8 इंच तक। देखिए 6 में हमारा 7.25 हो जाएगा, 7 में हमारा 7 रह जाएगा, 8 में हमारा 6.5 हो जाएगा। इससे आगे आप देखिए मैंने शोल्डर को कांस्टेंट कर दिया है, यानी कि 6.5 इंच पर। अगर यानी कि आपका शोल्डर 16 इंच है तो उस लेडीज के केस में आप शोल्डर को 6.5 इंच से कम नहीं लेंगी, किसी भी हालत में नहीं लेंगे, चाहे गला कितना भी बड़ा हो। यही रीजन था जब आपका गला खिंचाव करने शोल्डर खिंचाव करने लग जाता था, क्योंकि आप छोटा ले लेते थे उस केस में। तो प्लीज इससे छोटा मत लीजिए। मैं निशान लगा के दिखा देती हूँ आपका। अब मैं आपको 6 इंच का लगा के दिखाऊंगी, फटाफट लगा लेते हैं हम। देख निशान 6 पे होगा हमारा 1.75 इंच, ऊपर से 1.5 कम हो गया है 7.5 से, तो यहाँ मैं 6 इंच पे लगा लूंगी। ये देखिए यहाँ पे 6 इंच के लिए 1.5 इंच कम हो जाएगा लगभग इतना। तो ये देखिए हमारी गोलाई कुछ ऐसे आएगी, देखिए बिल्कुल कितनी अच्छी हमारी फिनिशिंग आएगी। अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी यहाँ से। तो देखिए मैं 7 इंच के लिए लूंगी, अब 1 इंच और ज्यादा बढ़ा लिया मैंने इसमें। ये देखिए देखिए यहां भी 1.5 इंच कम करूंगी मैं, देखिए ऐसे हमारा 7 इंच तक हो गया। दोस्तों देखिए 7 इंच के बाद अब जब मैं 8 का लूंगी तो हमारा शोल्डर हो जाएगा 6.5, और इससे आगे ये इतना ही रहेगा। तो चलिए लगाते हैं निशान 8 इंच के लिए। इसकी गोलाई देखिए ऐसे जाएगी, ये देखिए। तो देखिए था हमारे 8 इंच तक, इससे आगे हम सेम रखेंगे, बिल्कुल यही रहेगा। तो ऊपर से देखिए आप ये पोर्शन कितना कम रह गया है इसमें भी। तो यानी कि 16 की जिसकी शोल्डर है वो हेल्दी लेडी होगी, तो उसके लिए इससे कम नहीं लेंगे फ्रेंड्स हम, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक वो रीजन बताऊंगी, सबसे जरूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल आराम से, कि आपके शोल्डर गिरते क्यों हैं। तो देखिए जैसे हम पहले था हमारा शोल्डर 8 का था,
तो उसके लिए हमारी ये गोलाई बनी थी करीबन 9 इंच बस। अब देखिए, जैसे हमारा शोल्डर 6.5 इंच हुआ था तो हमारी गोलाई बनी है अब करीबन 10.5 के करीब, यानी कि गोलाई करीबन 1.25 इंच बढ़ गई है दोस्तों। यानी कि इस केस में आपका जो आर्म होल है उसकी गोलाई बढ़ गई है, तो इसके लिए शोल्डर आपका गिरने लग जाएगा। तो अब ध्यान रखिए, हमें यहाँ आर्म होल को कम लेना है। यही रीजन था फ्रेंड्स, मैं आपको जो शुरू में कहा था कि मैंने यहाँ 7 इंच क्यों कर दिया है डीप नेक के लिए, तो वो ये रीजन था दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को लाइक पसंद करें तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मैंने आप अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अगर बैक नेक डीप ले रहे थे 7 से 10, तो हमें ले लेना था यह आर्म होल को 7 इंच। तो यहाँ 7 इंच लेंगे हम, देखिए यहाँ। अब यहाँ से गोलाई शुरू होगी, देखिए आप ध्यान से गोलाई करूंगी मैं। ये देखिए हमारी करीबन 9 इंच आई थी गोलाई, देखिए बिल्कुल 9 एक्यूरेट हो गई है। यानी ये चीज आपकी उतनी ही आनी चाहिए जितनी पहले आती थी। देखिए 9 इंच वहां थी, मेजर करके दिखाती हूँ आपको। देखिए बिल्कुल फर्स्ट वाले में 9 इंच थी, अब वाले में भी हमारी 9 इंच है। तो यानी कि जैसे ही आप डीप नेक करेंगे वैसे ही आप तीरे को तो कम करेंगे ही करेंगे, साथ में आर्म होल को भी कम करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ बैठे हैं, आप सबके लिए बैठे हैं, रिप्लाई देने के लिए बैठे हैं। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये तरीका अच्छे से समझ लिया है बिल्कुल लास्ट तक जैसे मैंने बताया है, तो आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शोल्डर को लेकर। कोई आपसे ये शिकायत नहीं करेगा कि हमारा शोल्डर गिर गया है, कोई छोटा रह गया है। ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है इसकी। ये देखिए, ये रहेगा हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप। ये देखिए, कोई शिकायत नहीं आएगी दोस्तों, यकीन मानिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपका आज का ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने बहुत मेहनत से पूरा रिसर्च करके आप सबके लिए सब चीजें तैयार की हैं, तो प्लीज मेरी मेहनत का फल मुझे दीजिएगा। प्लीज कम से कम एक लाइक जो जरूर करिएगा। बाकी आपके डाउट्स के लिए तो हम बैठे ही हैं, हम आपके जो भी कमेंट होते हैं उन पर भी वीडियो लेके आते हैं। ये भी आपके जो आर्म होल पर कमेंट्स आए थे उन पर मैं ही वीडियो लेके आई थी। आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है सिलाई से लेकर, किसी भी टॉपिक पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सब आपको अच्छे से बता सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बाकी मैं वीडियोस तो लेकर लाती ही रहती हूँ आप सबके लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक हमसे जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। नमस्कार।